हेलो गाइस, निकिताज किचन फूड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो ये सिंपल केक डेकोरेशन का वीडियो है। बहुत ही इजी इसका डेकोरेशन है गाइस, और दिखने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही केक को आइसिंग करके रखा है। तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर में केक है और ये 1/2 kg का केक है। अब यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में चॉकलेट गनाश को भर लिया है और उसे मैं केक के ऊपर इस तरह से पोर कर रही हूँ। तो आप डेकोरेशन अपने मर्जी का कोई भी कर सकते हैं गाइस। इसके अंदर पाइनएप्पल केक है लेकिन ऊपर का जो डेकोरेशन है वो मैं चॉकलेट गनाश से कर रही हूँ। तो मैंने चॉकलेट गनाश यहाँ पे अच्छे से डाल दिया है और उसे पैलेट नाइफ की मदद से मैं इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। तो इसे हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और साइड से मैं यहाँ पर ड्रिपिंग दे रही हूँ। तो मैंने ऊपर का जो सरफेस है केक का उसे चॉकलेट गनाश से कवर कर लिया है क्योंकि मुझे पूरे केक को कवर नहीं करना था, और साइड से मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रिपिंग दे रही हूँ। अब यहाँ मेरे पास क्रीम है, तो ऊपर का डेकोरेशन मैं ब्लू कलर में करने वाली हूँ। तो क्रीम में मैं ब्लू कलर डाल रही हूँ। तो ये लिक्विड कलर है गाइस, तो जेल कलर मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है, लिक्विड कलर ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और क्रीम में मैंने थोड़ा सा 4-5 बूंद ब्लू कलर डाला है, लेकिन मुझे थोड़ा और डार्क कलर का चाहिए था तो और थोड़ा सा कलर मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो क्रीम हमारी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई है। तो क्रीम आपकी अच्छी तरह से बीट हुई होगी तो आपकी क्रीम कभी भी मेल्ट नहीं होगी, आप कितना भी कलर इसमें मिक्स करेंगे तो भी। तो यहाँ मैंने N1 नंबर का नोज़ल लिया है और पाइपिंग बैग में भी मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं केक के ऊपर रोजेट बना रही हूँ। तो थोड़े बड़े और छोटे साइज़ के मैं यहाँ पे ये रोजेट जो है फ्लावर में बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं बड़े साइज़ के बना लेती हूँ और अब छोटे छोटे यहाँ पे जैसे स्टार होते हैं ना, उस तरह से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरह के सिंपल सिंपल डिज़ाइन रहते हैं गाइज, ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो आप कोई भी कलर में कोई भी केक के ऊपर इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं, तो ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। अब यहाँ मैंने नूर 14 नंबर का नोज़ल लिया है बॉर्डर बनाने के लिए और इस तरह से मैं शेल डिज़ाइन यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये जो शेल डिज़ाइन है ये सबसे ज़्यादा चलता है गाइज केक की बॉर्डर के लिए। तो मैं भी ये सिंपल सा ही यहाँ पे बॉर्डर बना रही हूँ। तो हमारी बॉर्डर बना के हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये चॉकलेट डेकोरेशंस है तो वो मैं केक के ऊपर, ये जो फ्लावर हमने बनाए थे ना उसके ऊपर मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पे 3 चॉकलेट डेकोरेशन मैंने लगा दिए हैं। अब यहाँ मेरे पास चेरी है तो वो भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो है ना गाइज, ये बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन और बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम में ये बनके तैयार होता है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।